क्या आपका दिल चाहता है घर पर मिले कोचिंग वाली पढ़ाई? तभी प्ले स्टोर से बेस्ट टेक्निकल एकेडमी ऐप डाउनलोड करें। डियर स्टूडेंट, वेलकम टू बेस्ट टेक्निकल एकेडमी। मैं हूं इंजीनियर विकास कुमार। आज के क्लास में हम लोग एमीटर ही दिया हुआ है, क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है, प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हम लेकर के आपको समझा रहे हैं। फिर डायरेक्ट फार्मूला से भी हम बात करेंगे कैसे कम टाइम में हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे। अभी हम ये बात कर रहे हैं, प्रैक्टिकल एग्जांपल हम लोग ऐसा बात कर रहे हैं कि अगर एमीटर दिया हुआ है, एक एमीटर दिया हुआ, देखिए कितना का दिया हुआ है, 0 से 1 मिली एम्पियर का दिया हुआ है। लीनियर कहने का मतलब क्या है बताइए? ये आउटपुट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनपुट होगा, यानी कि इसमें जो है से एक्यूरेसी होने की संभावना क्या होगा, ज़्यादा होगा। दूसरा जो है इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है बताइए? 100 ओम है। और इसको कन्वर्ट किस में करना है? एक एमीटर ही है, यहाँ रेंज देखो 0 से 1 मिली एम्पियर है, इसका रेंज को क्या करना, बढ़ाना है। अगर हम एमीटर ही है, एमीटर के रेंज को बढ़ाना रहे तब आप क्या कीजिएगा, ठीक है? देखिए हमारा कैसे इसको सोचेंगे, एक एमीटर ही है छोटू आपका, और इसका एमीटर को ही रेंज को एक्सटेंड कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं बताओ? रेंज एक्सटेंड करके फिर क्या करना है बताइए? एमीटर ही रखना है, यानी कि एक अमीटर है, दूसरा भी क्या करना है, अमीटर ही रखना है, लेकिन इसका क्या कर रहे हैं आप, रेंज का क्या कर रहे हैं, एक्सटेंशन कर रहे हैं। रेंज का क्या कर रहे हैं आप, एक्सटेंशन कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे आप, रेंज क्या कर रहे हैं, रेंज एक्सटेंशन कर रहे हैं। रेंज एक्सटेंशन कहने का मतलब रेंज को क्या कर रहे हैं आप, बढ़ा रहे हैं, रेंज एक्सटेंशन कर रहे हैं। ये आप अमीटर को कन्वर्ट करना है, क्या अमीटर में ही कन्वर्ट करना है। सबसे पहले ओरिजिनल जो मीटर दिया हुआ, ओरिजिनल मीटर के बारे में हम लोग पहले बात कर लेते हैं। तो चलिए आपका ओरिजिनल मीटर जो दिया हुआ इस तरीके से, ओरिजिनल मीटर कितना का है बताइए? ओरिजिनल मीटर ये जो है सा आपका 0 से 1 मिली एम्पियर का मीटर, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है छोटू बताओ? 100 ओम का इंटरनल रेजिस्टेंस है, ऐसा है ओरिजिनल। अब इसमें क्या करना है, इसमें क्या करना है, इसको कन्वर्ट करना है, किस में कन्वर्ट करना है बताइए? एक रेंज एक्सटेंशन कर रहा है अमीटर का। अब अमीटर कितना होगा? 0 से 10 एम्पियर का बनाना है, क्लियर है? अब हमारा इसमें क्या कर रहे हैं, एक आपका इसमें DPST स्विच ले लेंगे, एक स्विच ले लेंगे, ऐसे इसमें अमीटर ही है, रेंज एक्सटेंशन आपको करना है, ठीक है? करंट सोर्स ही है, कितना एम्पियर का है बताइए? 10 एम्पियर का है, ठीक है? इसमें 10 एम्पियर का करंट सोर्स है। अब जैसे ही हम यहाँ पर DPST स्विच क्लोज करेंगे, तो जैसे ही DPST स्विच क्लोज करेंगे तो करंट बहना स्टार्ट होगा। इसके टर्मिनल को इससे कनेक्ट कर दिए, इस टर्मिनल को इससे कनेक्ट कर दिए, कर दिए। अब देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए कि जैसे हमको इस रेंज को एक्सटेंशन कर रहे हैं, आई करंट है, मीटर में करंट कितना जाएगा? IM जाएगा। IM कितना के बराबर होगा? मैक्सिमम 1 मिली एम्पियर से ज़्यादा नहीं हो सकता है। 1 मिली एम्पियर से ज़्यादा होगा तो इंस्ट्रूमेंट क्या हो जाएगा, डैमेज कर जाएगा। अगर वन इंस्ट्रूमेंट अगर इतना होगा तो इसके क्रॉस वोल्टेज VM इक्वल टू, हम लोग निकाले थे पहले IM इंटू RM करके निकाले थे वोल्टेज VM इक्वल टू, इसके क्रॉस वोल्टेज कितना होगा? VM बराबर IM इंटू RM, IM का मान 1 मिली एम्पियर, इसका 100 बराबर 0.1 वोल्ट हम लोग ज्ञात किए थे जस्ट हम लोग पिछले क्लास में। अब देखिए हमारा ध्यान दीजिए कि यहाँ पर करंट अगर हम जैसे ही DPST स्विच क्लोज करेंगे तो यहाँ 10 एम्पियर आने लगेगा ना, बताओ यहाँ 10 एम्पियर आने लगेगा। इफ़ क्लोज द DPST स्विच को अगर आप क्लोज कीजिएगा तो क्या होगा बताओ? करंट क्या फ्लो करेगा? करंट फ्लो करेगा, करंट ऑफ कितना, 10 एम्पियर विल बी फ्लो। अगर आपका 10 एम्पियर अगर करंट फ्लो करने लगेगा तब आप बताइए कि क्या होगा? अगर आपको 10 एम्पियर करंट फ्लो करने लगेगा तो देखिए क्या होगा, ये 10 एम्पियर करंट जो है ये ग्रेटर है ना किससे बताइए? 1 मिली एम्पियर से। अगर ये हमारा ओरिजिनल 10 एम्पियर अगर हमारा फ्लो करने लगेगा इतना तो इंस्ट्रूमेंट ये बचेगा नहीं, ना बचेगा, इंस्ट्रूमेंट क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। देन क्या होगा बताओ? इंस्ट्रूमेंट विल डैमेज, इंस्ट्रूमेंट क्या होगा बताइए? डैमेज हो जाएगा। इस डैमेज से बचाने के लिए आप क्या कीजिएगा बताइए? यहाँ तो ऐसे 10 एम्पियर का करंट आएगा ही आए, नो डाउट। अब यहाँ तो 10 एम्पियर जाएगा तो डैमेज कर जाएगा, तो एक हम ऐसा कर सकते हैं इसको हम लोग बचाने के लिए, एक संट में ऐसा अगर हम ब्रांच लगा दें, इसको RSH बोलें, तो जो भी करंट आई आएगा इधर कुछ चला जाएगा, इधर IM जा रहा है तो इधर क्या जाएगा बताइए? I-IM जाएगा, होगा। अब हमारा ये सवाल उत्पन्न होता है कि इस जो RSH का मान जो है इसे कितना होना चाहिए। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि इस RSH का मान कितना होना चाहिए। अब देखिए हमारा पैरेलल है दोनों, है ना, पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, पैरेलल में वोल्टेज के साथ नो छेड़छाड़। इन पैरेलल कम्बिनेशन आप लोग जानते हैं कि पैरेलल कम्बिनेशन में क्या होता है, वोल्टेज क्या होता है, सेम होता है। इन पैरेलल कम्बिनेशन
इन पैरेलल कम्बिनेशन। पैरेलल कम्बिनेशन में क्या होता है बताइए, वोल्टेज जो होता है वोल्टेज आर सेम, यानी कि वोल्टेज के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। वोल्टेज के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे यानी 0.1 ही रहेगा, तो क्या होगा बताइए, करंट भी बटा कितना होगा बताइए। यहाँ पर सिंपल आर नहीं रखेंगे, क्या रखेंगे बताइए, आरएम के साथ, यानी आरएम कितना है बताइए, 100 ओम है, 100 ओम के पैरेलल में कितना हो जाएगा बताइए, आरएसएच होगा। क्यों, ये दोनों पैरेलल है। अब हमारे पैरेलल में लगाएंगे तभी तो जितना करंट आ रहा है इधर बंटवा रहा होगा, नहीं तो ये तो डैमेज कर जाएगा। ये डैमेज से बचने के लिए कि इधर इतना ही करंट जाएगा जितना इसका लिमिट है, तो यहाँ पर क्या एक शंट में रजिस्टर लगा देंगे। अब हमारा रजिस्टर के मान पर डिपेंड करेगा कि इधर कितना जाएगा इधर कितना जाएगा। मान लें कि रजिस्टेंस का बहुत ज़्यादा वैल्यू हो जाएगा तो इधर कम करंट जाके इधर ही ज़्यादा जाएगा, या फिर रजिस्टेंस का बहुत कम वैल्यू होगा तो इधर कम जाएगा तो भी गड़बड़ है। तो रजिस्टर का इस तरह से मान रखना है कि इधर करंट कितना जाए, 1 mA का जाए, इससे ज़्यादा नहीं जाए। यानी कि इसका इस तरह से मान रखेंगे इसका कितना हो जाए, इसमें करंट 1 mA जाए लेकिन टोटल करंट इधर से कितना है 10 आए, यानी कि टोटल इधर से 10 A आएगा। वी बटा RSH मान बात कीजिएगा तो 100 इंटू क्या हो जाएगा, RSH डिवाइड बाई 100 प्लस कितना हो जाएगा RSH, और वोल्टेज को छेड़छाड़ नहीं करना है तो कितना होगा 0.1 होगा। यहाँ तक बात समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है ना। और जब आपको कोई दिक्कत ही नहीं है तो देखिए क्या इसको और आगे हम लोग कंटिन्यू कर सकते हैं। 10 बराबर देखिए कितना हो सकता है, 0.1 इंटू ये ऊपर चला जाएगा, 100 प्लस कितना हो जाएगा RSH डिवाइड बाई ये कितना हो जाएगा बताइए, 100 RSH हो जाएगा। हो जाएगा सर, कोई दिक्कत है नहीं ना। अब यहाँ से देखिए इसको और आगे आप लोग लिख सकते हैं, 100 को इतना से गुना कीजिएगा तो देखिए कितना हो जाएगा, 1000 RSH बराबर ये कितना हो जाएगा बताइए, 10 प्लस कितना 0.1 RSH होगा। ऐसा कोई दिक्कत है नहीं ना। अब RSH क्यों लिखे थे इसको, उसमें सीरीज में था इसके जस्ट पहले तो RSH लिखे थे, पैरेलल में इसलिए संट लिखे, संट को RSH से डिनोट करते हैं। यहाँ से आप बताइए, यहाँ से 0.1 जाएगा तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिए 0.1 आ जाएगा तो ये हमारा आ जाएगा लगभग में इतना ही रहेगा, ये हमारा 999.9 होगा। RSH बराबर कितना होगा 10 होगा। यहाँ से अगर हम RSH का मान निकालेंगे 10 डिवाइड बाई कितना होगा 999.9, लगभग क्या आएगा 0.01 A आएगा। आएगा ऐसा, यानी कि इसका जो RSH का मान आएगा 0.0 ओम आएगा, 0.01 ओम आ जाएगा, कब, जब इतना हम लोग रेजिस्टेंस लगाएंगे तब। तो ये हमारा यहाँ RSH का मान जो आ गया कितना इस केस के लिए आया, 0.01 ओम आया। क्लियर है, कब आया, जब इसका वैल्यू हम लोग कितना बना रहे हैं, ठीक है, इसका वैल्यू हम कितना देख रहे हैं, देखिए करंट थोड़ा कट हो गया है, बस इतना लाइटिंग आ रहा है, बस एक मिनट आप देखिए ध्यान से, देखिए काम पर लाइटिंग आ रहा है, आप इसको समझ सकते हैं, ध्यान दीजिए ये जो है से आपका 0.1 ओम है, ठीक है, 0. लाइट बेसिकली कट हो गया, इन्वर्टर कनेक्शन से एक ही बल्ब है इसलिए ऐसा आ रहा है। देखिए ये आपका 0.1 है, अगर आप यहाँ पर वोल्टेज को आप बढ़ाना चाहते हैं, ध्यान दीजिए, अगर आप वोल्टेज को अगर हम बढ़ाएंगे, सॉरी करंट को अगर बढ़ाएंगे, यदि हम इसका मान 20 करेंगे, इफ़ ऐसा हो जाए, इफ़ आई बराबर अगर 20 A अगर आप लीजिएगा, तो आई बराबर यदि 20 A लीजिएगा तो यहाँ जो RSH का जो मान आएगा कितना आएगा बताइए, 0.005 ओम आएगा, कितना आएगा 0.005 आएगा। ठीक है, देखिए हमारा काम भर दिख रहा है, ऐसा नहीं कि आपको नहीं दिख रहा है, देखने की कोशिश कीजिए, ठीक है, थोड़ा सा क्या हो गया, बिजली कट हो गया इसलिए ऐसा हो रहा है। ठीक है, आप देखिए ध्यान दीजिए हमारा, कि हम ऐसा बात करेंगे कि यहाँ से इस RSH का तो मान चेंज होगा, पहला क्या मीटर का रेंज एक्सटेंशन करना है, तो कंक्लूजन पॉइंट क्या हुआ, संट में रजिस्टर को आपको लगाना है, यानी कि कंक्लूजन पॉइंट ये हो गया कि हमारा अगर आप करंट का रेंज को एक्सटेंड करना चाहते हैं, मीटर के रेंज को एक्सटेंड करना चाहते हैं, तब आपको क्या होगा, एमीटर के रेंज को इफ़ यू वांट टू एक्सटेंड रेंज ऑफ किसका, एमीटर, रेंज ऑफ एमीटर, देन ए संट रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड अक्रॉस किसके अक्रॉस, जो भी ओरिजिनल मीटर है, अक्रॉस ओरिजिनल मीटर के क्रॉस क्या करना, आपको संट रेजिस्टेंस को क्या करना रहता है, कनेक्ट करना रहता है। तो इतना एनालिसिस करके हम लोग इसको बनाएंगे। अब हम इतना तो का वीडियो पॉज करके पहले नोट कर लीजिए, तो जल्दी से इसको अगर आप नोट कर लिए
देखिए हमारा, तो नोट करने के बाद हम देखो बार बार इतना एनालिसिस नहीं करेंगे, इतना मिटा रहे हैं फिर से। देखिए अगर हम बात करेंगे कि बार बार इतना एनालिसिस नहीं करेंगे, डायरेक्टली आपको फॉर्मूला मिल जाएगा। देखिए कैसे फॉर्मूला मिल जाएगा, आप बहुत शॉर्टकट इस क्वेश्चन को आप बना सकते हैं, बहुत शॉर्टकट क्या बना सकते हैं, देखिए हमारा ध्यान दीजिए, बहुत शॉर्टकट। अगर मान लें कि इसमें करंट क्या है आई, इधर करंट कितना गया आई एम, तो इसमें करंट कितना आ जाएगा बताइए, आई माइनस कितना आ जाएगा आई एम होगा सर, क्लियर। अब देखिए हम लोग ऐसा जानते क्या है कि हम फार्मूला निकालना चाहते हैं, बेसिकली हम फार्मूला निकालना चाहते हैं। फार्मूला क्यों निकालना चाहते हैं, देखिए हमारा ध्यान दीजिए कि फार्मूला से क्या होगा कि आपका क्वेश्चन जो है सो बहुत कम समय में आपका बन जाएगा। फार्मूला क्या होगा, हम लोग जानते हैं क्या है कि पैरेलल में वोल्टेज क्या होता है, सेम होता है। हम लोग जानते हैं इन पैरेलल कनेक्शन, इन पैरेलल कनेक्शन वोल्टेज आर सेम, हम लोग ऐसा जानते हैं इन पैरेलल कनेक्शन, इन पैरेलल कनेक्शन वोल्टेज आर सेम, क्या होता है बताइए, वोल्टेज आर सेम। अगर वोल्टेज अगर सेम होगा, वोल्टेज यदि आपका सेम होगा, तो सेम होने के बाद देखिए क्या करेंगे, ये जो संट ब्रांच के क्रॉस जितना वोल्टेज होगा उतना ही क्या होगा, मीटर के क्रॉस वोल्टेज होगा। इसका मतलब ये हुआ दैट इज वोल्टेज अक्रॉस, वोल्टेज अक्रॉस, वोल्टेज अक्रॉस संट ब्रांच, संट ब्रांच इज इक्वल टू वोल्टेज अक्रॉस मीटर, मीटर के क्रॉस का वोल्टेज। संट ब्रांच के क्रॉस वोल्टेज कितना होगा, देखिए करंट इनटू रजिस्टर को क्या बोलते हैं, वोल्टेज, इसके क्रॉस करंट कितना है बताइए आप, आई माइनस कितना है बताइए, आई एम के बराबर है। रेजिस्टेंस कितना है बताइए, आर एस एच के बराबर है, है। अब यहाँ पर अगर हम बात करेंगे मीटर के क्रॉस, इसमें देखिए हमारा वोल्टेज कितना होगा, करंट मान लें कि आई एम है, रेजिस्टेंस को अगर हम अपना मन से मान लें कि आर एम है, इंटरनल रेजिस्टेंस, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं बताइए, आई एम इंटू आर एम लिखा जा सकता है, जहां आर एम क्या है इसका जो ओरिजिनल मीटर उसका इंटरनल रेजिस्टेंस, आई एम क्या है मैक्सिमम उससे अलाउबल करंट कितना फ्लो कर रहा है जो कि ओरिजिनल मीटर में है, और ए आई क्या है जितना कि हम रेंज को एक्सटेंड करना चाहते हैं। अब यहां से देखिए आपको आर एस एच का मान निकालना है सर, तो आर एस एच इक्वल टू आप ऐसा लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं, आई एम आर एम डिवाइड बाई कितना, आई माइनस आई एम लिख सकते हैं। इसको चाहे तो आप ऐसा भी तो लिख सकते हैं, आई एम डिवाइड बाई आई माइनस, सॉरी इसको लिख सकते हैं ऐसा, आर एम डिवाइड बाई आई माइनस आई एम बटा में आई एम, ऐसा लिख सकते हैं। यहां से देखिए कि आर एस एच का मान जो हो जाएगा आर एम डिवाइड बाई आई बटा आई एम माइनस कितना, वन, इतना लिख सकते हैं हम लोग, कोई दिक्कत है इतना लिखने में, नहीं ना। ये देखिए आर एस एच का मान रेडीमेड फॉर्मूला आपके पास आ गया, अब इस रेडीमेड फॉर्मूला से डायरेक्टली अभी हम कितना निकाले थे, ये आर एस एच का मान अगर 10 एम्पियर के लिए निकालें तो 0.01, अगर इस फॉर्मूला से आप आ रहे हैं फ्रॉम फार्मूला, अगर इफ अगर हमारा आई बराबर यदि 10 है जो कि अभी ऑलरेडी हम लोग लेके देखें, तो देखिए आर एस एच का मान कितना आता है, आर एम का मान इसमें कितना दिया हुआ बताइए, 100 100 100, कितना एम्पियर का बनाना है आपको बताइए, 10 एम्पियर का बनाना है, जबकि इसका इंटरनल करंट कितना है 0.1 मिली एम्पियर, 1 मिली एम्पियर है, ध्यान दीजिएगा। आई एम का मान कितना, 1 मिली मतलब कितना, 10 के पावर माइनस 3 मतलब कितना हो जाएगा यहाँ पर 0.001, ठीक है, माइनस कितना होगा बताइए, 1 होगा, क्लियर है, यहाँ तक समझ में आया, यहाँ पर सॉरी इनटू में नहीं है, ये क्या है डिवीजन में है, ये डिवीजन में है, ये 100 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो गया बताइए आपका, 10 डिवाइड बाई 0.001 माइनस कितना, 1, तो नीचे में बहुत बड़ा अंक हो जाएगा, अगर इसको आप कैलकुलेट कीजिएगा तो आर एस एच आएगा अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0.01 ओम के आसपास आएगा, ठीक है, 0.0 ओम के आसपास आएगा, ये आर एस एच निकल गया। तो इस फॉर्मूला से भी आर एस एच निकाल लिए, पहले हम लोग एनालिसिस करके भी निकाल लिए। अगर ऐसा है कि एमीटर ही दिया है इसका रेंज एक्सटेंशन रहे, तो केवल ये वाला फार्मूला को आपको याद रखने से काम चल जाएगा, बहुत ही टीटीआई है। अगर आपका इसके जस्ट पहले हम लोग बात किए थे, क्या बात किए थे, यदि अमीटर दिया उसको वोल्टमीटर बनाना है तो सीरीज में रेजिस्टेंस हम लोग लगाते हैं, तो उसके लिए क्या फॉर्मूला बताए थे, ये डिवीजन में नहीं था, वहाँ पर क्या था, आर एस सी बराबर आर एम इंटू वी बटा वी एम माइनस वन था। लेकिन अगर यहाँ पर अगर हम निकाल रहे हैं आर एस एच क्या है, आर एम डिवाइड बाई में आई बटा आई एम माइनस वन, डिवीजन में करंट है जबकि मल्टीप्लीकेशन में क्या था, वोल्टेज था, ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप करंट के रेंज को एक्सटेंड करेंगे, करंट के रेंज को एक्सटेंड करेंगे, देखिए 10 के जगह 20 करेंगे तो डिनोमिनेटर और बड़ा होगा, और बड़ा होगा तो आर एस एच का मान क्या होगा, और छोटा होगा, ठीक है। अगर हम देखो यहाँ तक आप कंक्लूजन्स आप लिख लीजिए यहाँ तक, ठीक है, लिखने के बाद हम आगे बात करते हैं, ठीक है। देखिए हम कैसे बात करते हैं, और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है,
क्या इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि जिस तरह से मेरा वीडियो लेक्चर देख रहे हैं, अगर चाहते हैं कि इसी तरह से सारे सब्जेक्ट का फुल सिलेबस वीडियो लेक्चर देखें, जैसे कि आपका 5 सब्जेक्ट है, आपका इलेक्ट्रिकल सर्किट एंड नेटवर्क, इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट, अप्लाइड मैथ, इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन, साथ ही साथ बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, ये 5ों का वीडियो लेक्चर, और प्लस में सभी का आप चाहते हैं कि PDF नोट्स भी मिले, सभी का PDF नोट्स भी मिले, तो आपको क्या करना है इसके लिए, डाउनलोड करना पूरा कोर्स के लिए बेस टेक्निकल एकेडमी का ऐप को डाउनलोड करना है। कहाँ मिलेगा? प्ले स्टोर में मिलेगा, ठीक है। एक आपका दीपक सा जलते हुए लोगो होगा, उसको आप देखिएगा, और बेस टेक्निकल एकेडमी ऐप को क्या करना है, डाउनलोड कर लेना है। जैसे आप डाउनलोड कीजिएगा तो सबसे पहले एप्लीकेशन में आपको क्या मांगेगा, मोबाइल नंबर, उसके बाद OTP जाएगा आपका उसी मोबाइल पर, तो आप उसको डाल करके वेरीफाई कर लीजिए। इसके बाद आपका ईमेल आईडी और नेम पूछेगा, तो उसमें डालिएगा, तो फाइनली क्या होगा, आपके मोबाइल में इंस्टॉल हो जाएगा। इंस्टॉल होने के बाद आप उसको क्या कीजिएगा, आपको ओपन करना है। जैसे आप उस ऐप को ओपन कीजिएगा तो देखिए आपको क्या होगा, मोबाइल के नीचे स्क्रीन पर देखिएगा, ऐप में आपको 4-5 आइकन यहाँ पर बना हुआ होगा, 4-5 आइकन बना हुआ होगा। एक में आपका होम लिखा होगा, एक में आपका बैच लिखा होगा, एक में आपका यहाँ पर स्टोर लिखा होगा। तो जो स्टोर लिखा हुआ है जो कॉलम में, वही आपका मेन कॉलम है। तो स्टोर पर जैसे ही जाइएगा तो यहाँ पर आपको क्या कीजिएगा, यहाँ पर आपको बहुत सारा कोर्स क्रिएटेड होगा, आपको दिख जाएगा। एक Diploma 3 टॉप सेलिंग में आपको दिख जाएगा, जो कि आप Diploma 3rd के होंगे, तो बहुत सारा बच्चे इसको यूज कर रहे हैं। लगभग सारे पॉलिटेक्निक कॉलेज, कोई भी कॉलेज ऐसा नहीं है जो कि छूट पाए हैं, तो सारे कॉलेज के बच्चे इसको यूज कर पा रहे हैं, चाहे गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट हो, ठीक है। अगर आपको नहीं मिल पा रहा 3rd सेमेस्टर डिप्लोमा का, तो आपको सर्च करना, सर्च ऑप्शन है, क्या सर्च करना है बताइए, डिप्लोमा स्पेस डाल के क्या लिखेगा, 3 डालिएगा। तो यहाँ पर आपका सब्जेक्ट वाइज भी कोर्स क्रिएटेड है, फुल सब्जेक्ट भी कोर्स क्रिएटेड है। सब्जेक्ट वाइज में थोड़ा प्राइस ज़्यादा है, फुल कोर्स के लिए थोड़ा प्राइस क्या है कम है, तो आपको फुल कोर्स परचेज करना, क्योंकि आपको सारे सब्जेक्ट को पास करना है। इसी तरह से सारे सब्जेक्ट आपको बहुत अच्छे तरीके से आपको मिल रहा है। तो Diploma 3rd आपको क्या करना है, यहाँ पर क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद आपको 2 चीज़ दिखेगा, यहाँ पर एक आपका ओवरव्यू लिखेगा, यहाँ पर कंटेंट लिखेगा, और अदर कॉलम भी होगा। तो आपको यहाँ पर ओवरव्यू होगा, यहाँ पर क्या होगा, कंटेंट होगा। तो आपको कंटेंट पर क्लिक करना है, कंटेंट पर क्लिक कीजिएगा, इस तरीके से सारा सब्जेक्ट बना हुआ आपको आ जाएगा। और सारे सब्जेक्ट में देखिएगा कुछ फ्री वीडियो लेक्चर होगा, तो उसको आप देख लीजिए। देखने के बाद कोर्स को क्या करना है, परचेज करना है, और आज से ही स्टडी को क्या करना है, स्टार्ट कर देना है। एक और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, Diploma 3rd केवल इलेक्ट्रिकल के लिए नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक्स पीपल साथ साथ अचल भी ब्रांच का दोस्त होंगे, उनको भी इन्फॉर्म कर दीजिएगा, उनका भी क्लासेस सब स्टार्ट है, ठीक है। इसके अलावा आपका सीनियर का तो 4th सेम में भी पढ़ाए थे, 5th सेम में भी अभी क्लास क्या कर रहा है, चल रहा है, ठीक है। तो आप Diploma 3 हैं तो Diploma 3 सर्च करके इसको आपको इंस्टॉल करें, इंस्टॉल करके ये सब सारे चीज़ आपको हो जाएगा। अगर और फर्दर आप इन्फॉर्मेशन हमसे चाहते हैं, तो फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए आप इस नंबर पर 7050403084 पर कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। कोई भी तरह का इन्फॉर्मेशन हो तो इस नंबर पर आप कभी भी कॉल कर सकते हैं, ठीक है। सुबह 9 बजे से लेकर के रात के 9 बजे तक आप कभी भी कॉल या व्हाट्सएप आप कर सकते हैं इस नंबर पर, ठीक है। तो इससे रिलेटेड आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। और चलिए इतना तक हम लोग इसमें, और आगे हम लोग अब स्टडी का बात करते हैं, पढ़ाई का बात करते हैं, वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए हम लोग आगे की बात को, अब हम लोग पढ़ाई को करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करते हैं, आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं, आप बहुत ही धीरे धीरे समझदार होते जा रहे हैं। आप पहला क्लास मेजरमेंट का बात कर रहे हैं और अब का बात कर रहे हैं, आप में बहुत अंतर हो गया। अब अंदर से आपको फीलिंग्स आने लगा होगा कि हम कुछ जान रहे हैं, ऐसे ही आप बने रहिए, ठीक है। और देखिएगा कुछ दिन में और ज़्यादा कॉन्फिडेंस आपको आने लगेगा और बहुत ही मज़ा आपको आएगा, ठीक है, बात समझे। ऐसे तो हम सारा चीज़ को एनालिटिकल वे में आपको समझा रहे हैं, इस तरीके से कि आपको सारा बात समझ में आ जाए। बुक में तो समझ में आने से रहा, एक बार बुक पढ़िएगा तो नहीं आएगा, 2 बार पढ़िएगा तो नहीं आएगा अच्छा से समझ, बट एक बार आप लेक्चर सुन लीजिएगा तो क्या होगा, परमानेंट दिमाग में सेट कर जाएगा, ठीक है। अब देखिए हमारा, अगर हम बात करते हैं देखिए, करंट कट गया था, वहाँ भी गया, ठीक है। आप लोग, अब लाइटिंग प्रॉब्लम भी खत्म हो गया, ठीक है, ऐसे पहले भी नहीं था, देख सकते हैं, ऐसा नहीं कि खराब था, ठीक है। चलिए अब बिल्कुल क्लियर हो गया आपका। अब देखिए हमारा, अगर हम बात करते हैं, हम वोल्टमीटर का बात करते हैं और एमीटर का बात करते हैं, दोनों का बात करते हैं, वोल्टमीटर का बात करते हैं और साथ ही साथ किसका बात करते हैं, हम लोग एमीटर का बात करते हैं। चलिए
अभी अभी हम लोग जस्ट देख रहे थे, अमीटर का देख रहे थे, अमीटर देख रहे थे, इफ़ यदि हमारा ऐसा था आई बराबर 10 एम्पियर था तब RSH का मान कितना था बताइए। अभी जस्ट निकाले थे 0.01 एम्पियर। अगर यही I का मान है यदि 20 कीजिएगा तो फार्मूला में सेट कीजिए, फार्मूला में सेट करके निकालिएगा RSH इक्वल टू RM डिवाइड बाई I बटा IM माइनस 1, तो निकालिएगा तो आएगा 0.005 एम्पियर आएगा। इस तरीके से बढ़ते जाइएगा तो ये क्या होगा, एज क्या होगा बताइए, करंट इंक्रीज करेगा, करंट इंक्रीज करने से RSH का मान क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। एज करंट इंक्रीज करेगा तो RSH क्या होगा, डिक्रीज करेगा। इसका क्या मतलब हुआ, अगर आइडियल एमीटर होगा, आइडियल एमीटर होगा, आइडियल अगर एमीटर बन जाए तो आइडियल एमीटर के लिए रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। यानी कि फॉर आइडियल एमीटर के लिए क्या होगा बताइए, RSH का मान जो होगा, RSH का मान क्या होगा बताइए, जीरो। RSH का जीरो मतलब कैसा होता है, रेजिस्टेंस जीरो कब होता है, ओपन सर्किट होता है तब कि शॉर्ट सर्किट होता है तब, नेटवर्क में पढ़ा चुके हैं आपको। ये हमारा RSH का मान जीरो कब होता है, जब शॉर्ट सर्किट होता है तब। दैट इज बिहेव्स एज कैसा बताओ, शॉर्ट सर्किट बिहेव करेगा, ठीक है। अब हमारा बताइए वोल्ट मीटर के केस में बात किए थे, अगर इफ भी बराबर 10 वोल्ट अगर हम बात किए थे, RSE यहाँ निकाल रहे थे, देखे थे 9.9 किलो ओम आया था, ध्यान देने के लिए बात है 9.9 किलो ओम जस्ट प्रीवियस लेक्चर में। अगर हम वोल्टेज का मान अगर 20 वोल्ट लिए थे तो RSE का मान कितना आया था बताइए, सेम क्वेश्चन के लिए आपका 19.9 किलो ओम आया था। यानी कि हम लोग यहाँ से कंक्लूजन देख रहे थे कि वोल्ट मीटर का जो वोल्टेज हमारा इंक्रीज कर रहा है, यहाँ RSE का भी मान क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। यानी कि अगर हम बात करें आइडियल वोल्ट मीटर के लिए रेजिस्टेंस बढ़ते बढ़ते कितना हो जाएगा, अनंत हो जाएगा, इन्फाइट हो जाएगा। यानी कि हम बात करेंगे फॉर आइडियल वोल्ट मीटर हमारा RSE का मान क्या होगा बताइए, इन्फाइट होने का मतलब आप क्या समझते हैं बताइए, ओपन सर्किट, दैट इज बिहेवियर इसका कैसा हो जाएगा बताइए आप ही, दैट इज बिहेव्स एज कैसा बताइए, ओपन सर्किट जैसा बिहेव करेगा। अब हम आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। देखिए हमारा ये है, अगर हमारा आइडियल अगर वोल्ट मीटर होगा तो कैसा बिहेवियर उसका होगा, ओपन सर्किट जैसा बिहेव करेगा, उससे करंट फ्लो नहीं करेगा। हमारा RSE का जो सीरीज में हम लोग ये मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल हम लोग एमीटर जो कनेक्ट किए थे, ऐसा ये एमीटर है, अगर हम वोल्ट मीटर बना रहे थे तो यहाँ सीरीज में रेजिस्टेंस को कनेक्ट किए थे, और ये जो सीरीज में जो रेजिस्टेंस था, सीरीज ये हमारा किसके लिए बात कर रहे हैं बताओ, ये वोल्ट मीटर का बात कर रहे हैं, वोल्ट मीटर वाला केस के लिए बात कर रहे थे, ऐसा हम लोग कनेक्ट किए थे ना, ऐसा यार ये सीरीज में रेजिस्टेंस था। अगर एमीटर का बात कर रहे हैं तो एमीटर के केस में हम लोग क्या किए थे, ध्यान दीजिएगा, एमीटर के केस में हम लोग संट में रजिस्टर को लगा दिए थे, यहाँ पर RSH लगा दिए थे, ऐसा यहाँ पर हमारा बॉक्स था, बॉक्स से हम लोग ऐसा लाए थे एक बॉक्स से, दूसरा से ऐसा कनेक्शन था, और यहाँ पर हम लोग संट में रजिस्टर लगा दिए थे, यही था RSH। ये किसके केस में बताइए, ये था एमीटर के केस में ये किसके केस में था बताइए, वोल्ट मीटर के केस में। हमारा क्वेश्चन ये फिगर बनाना नहीं, हमारा क्वेश्चन समझना है। हमारा क्वेश्चन क्या है, क्या आइडियल वोल्ट मीटर को हम लोग बना सकते हैं, क्या आइडियल एमीटर को हम लोग बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं, हमारा क्वेश्चन है बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं बताइए, आइडियल बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं। देखिए ध्यान दीजिए, अगर हम आइडियल अगर हम बात करेंगे वोल्ट मीटर का बात करेंगे आइडियल, तो देखिए क्या होगा, RSE का मान इन्फाइट हो जाएगा मतलब क्या हो जाएगा बताइए, इन्फाइट हो जाएगा मतलब क्या, ये ओपन सर्किट हो जाएगा तो इधर करंट ही नहीं जाएगा, तो क्या ये रीडिंग देगा यार, क्लियर है। अगर हम आइडियल एमीटर का बात करेंगे तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, तो शॉर्ट सर्किट से सारा करंट पास कर जाता है, इधर करंट ही नहीं जाएगा, तो वर्क करेगा क्या, नहीं करेगा। यानी कि अगर हम आइडियल के समीटर का बात करेंगे तो संट ब्रांच से सारा करंट पास कर जाएगा, मीटर से जाएगा नहीं, तो डिफ्लेक्शन तो होगा ही नहीं, क्योंकि मीटर उसी करंट के कारण फोर्स पैदा होता है, फोर्स के कारण डिफ्लेक्शन होता है। यानी कि अगर हम आइडियल एमीटर का बात करेंगे तो वहाँ रेजिस्टेंस संट का जीरो हो जाएगा, तो सारा करंट ऐसे ही पास कर जाएगा, मीटर में करंट नहीं जाएगा, तो क्या ऐसा संभव है, नहीं। अगर यहाँ ओपन सर्किट हो जाएगा वोल्ट मीटर में, अगर इन्फाइट कर देंगे RSE के मान, तो क्या इधर करंट ही नहीं जाएगा, तो ये रीड करेगा क्या, कुछ नहीं करेगा। तो
हमारा क्वेश्चन क्या था, क्या आप आइडियल वोल्टमीटर या एमीटर बना सकते हैं, बताइए आंसर क्या होगा, नो या यस। बहुत का आंसर आ रहा है नो, आपका आंसर क्या है, बहुत का यस भी आ रहा है। देखिए ध्यान दीजिए, नो मैक्सिमम का है। देखिए क्या आंसर है, वी कैन डिजाइन आइडियल वोल्टमीटर और आइडियल एमीटर बट वी शुड नॉट डिजाइन। हम लोग कर सकते हैं यार, ये क्या करेंगे, तार को तोड़ देंगे, ओपन सर्किट कर देंगे तो क्या बन गया, आइडियल बन गया। इसको ज्वाइंट कर देंगे डायरेक्टली कोई बिना रजिस्टर का ऐसी वायर से ज्वाइंट कर देंगे तो आइडियल बन जाएगा। लेकिन क्या जो हमारा पर्पस है करंट मेजरमेंट होगा, क्या ये आइडियल बन जाएगा, जो हमारा पर्पस है वोल्टेज मेजरमेंट होगा क्या, नहीं। बट आइडियल हम लोग क्या बना सकते हैं, वी कैन मैन्युफैक्चर आइडियल वोल्टमीटर या वी कैन मैन्युफैक्चर ऑल्सो आइडियल एमीटर बट वी शुड नॉट डिजाइन। क्यों नहीं डिजाइन करेंगे, उसका कोई मतलब ही नहीं रहेगा। अब मतलब ही नहीं रहेगा तो डिजाइन करके हम लोग क्या करेंगे, कोई मतलब है उसका, नहीं है। यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन पॉइंट है ये, इंटरव्यू में क्वेश्चन कभी कभी पूछ दिया जाता है। अब जेई में तो बहुत जगह इंटरव्यू मैक्सिमम जगह बंद हो गया, पहले पूछा जाता था इस टाइप से क्वेश्चन, ठीक है। तो यानी कि फिर भी अगर कहीं कोई पूछे जरूर भाई वगैरह में पूछा जा सकता है आपको। ये देखिए कंक्लूजन पॉइंट है, क्या कंक्लूजन पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा। वी कैन मैन्युफैक्चर आइडियल एमीटर एंड आइडियल वोल्टमीटर हम लोग बना सकते हैं वोल्टमीटर, बट वी शुड नॉट डिजाइन। लेकिन हम लोग डिजाइन नहीं करेंगे, क्यों नहीं कि डिजाइन करेंगे, बिकॉज नो एनी डिफ्लेक्शन अकर्स इन इंस्ट्रूमेंट। अगर डिफ्लेक्शन इंस्ट्रूमेंट में अकर्स नहीं हुआ तो इसका कोई मीनिंग हुआ यार, कोई मीनिंग नहीं हुआ। हम लोग डिजाइन कर सकते हैं लेकिन हम लोग को डिजाइन नहीं करना चाहिए। यहाँ तक बात बिल्कुल क्लियर है। अब हमारा YouTube चैनल पर देख रहे थे, इसको सब्सक्राइब करना तो आपको बिल्कुल बनता ही है ना, ठीक है। एक आई का बटन दबा दे बिल्कुल सब्सक्राइब का, लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको क्या हो मिलते रहे। इतना मेहनत से पढ़ा रहे यार, अभी रात का कितना बज रहा है, रात का 3 बज रहा है, ठीक है। नाइट मोड में इसीलिए लेक्चर्स लेते हैं कि नाइट मोड में क्या शांति रहता, आपको बहुत बढ़िया से क्या करें समझा पाएँ, ठीक है। इसलिए नाइट मोड में आपका वीडियो बन रहा है, बहुत ही शानदार है, और आप इसको बनाए रहिए। और एक भी लेक्चर नहीं छोड़ना है, हर लेक्चर एक दूसरे से क्या है लिंकअप है। एक भी लेक्चर छोड़ते हैं तो समझिए कि आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं। तो आपको एक भी लेक्चर नहीं छोड़ना है, सारे लेक्चर को आपको क्या करना है देखना है। इस लेक्चर में इतना ही, बाकी अगले लेक्चर में और बातें को लेकर के आते हैं। थैंक यू ऑल, हैव ए नाइस डे।